जवानो अपने वजूद को पहचानो, अपने बका को पहचानो, अपने किरदार को और अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। तुम्हारे वजूद से इनका घर चलता है, तुम्हारे वजूद से ये 10-10 करोड़ के गाड़ियों में घूमते हैं, तुम्हारे वजूद से ये 10-10 करोड़ के जोड़े पहनते हैं। खुदा की कसम जवानो और मेरे अजीज तलबा, तुम ना होते तो ये भिखारी भीख मांगते होते, अगर तुम ना होते तो ये आज भी हमारे घर के लौंडे और हमारे घर की बंदी होते। लेकिन नौजवानों, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। किसी बड़े हकीम, किसी बड़े मुफक्किर, किसी बड़े मुतफ़िर और किसी सेकुलर ज़हन रखने वाले ने कहा था कि हर कौम में, हर मिल्लत में, हर समाज में और हर धर्म में जवानों की एक हैसियत होती है। जिस तरीके से एक इंसानी जिस्म के अंदर इस दस्ते बाजू की हैसियत है कि अगर ये बाजू ना हो तो इंसान अपाहिज, अपंग और मफलूज और मुअक्कल हो जाता है, तो पूरा जिस्म माजुमला सलाहियतों और खूबियों के साए या अकारत हो जाता है। तो इसी तरह जिस कौम मिल्लत के नौजवान पस्त हौसला हो जाए, मुस्तिल हो जाए, पद किरदार हो जाए, तो याद रखना मेरे तलबा, उस कौम की शान और शौकत खाक में मिल जाती है, उस कौम की अजमत और सफ़त को घुन लग जाता है, उस कौम की इज्जत और वक़ार को घुन लग जाता है। अरे बल्कि ये कहना मैं ज्यादा बात इंसाफ की समझूंगा कि वो कौम अपाहिज, अपंग और मफलूज और मातल हो जाती है। इसलिए जवानों, अपने वजूद को पहचानो। तुम्हारे वजूद को देखकर किसी शायर ने कहा था कि तुम ना होते तो ये इंसान दरिंदे होते, तुम ना होते तो ये इंसान दरिंदे होते, आदमी होते मगर जिंदा ना मुर्दा होते। इसलिए कहता हूँ अजमत को अपनी पहचानो, कीमती शय हो तो कीमत को अपनी तुम जानो, तुम जो आओ तो ये घर दीवार महक उठेंगे, तुम्हारे अमल से घर बार महक उठेंगे, हर तरफ फूल कई रंग के खिल जाएंगे, बागे जन्नत के ठिकाने तुम्हें मिल जाएंगे। अस्म दुनिया के बदलने का जवाब रखते हो, कोके बेटे हो बुलंदी पे पहुंच सकते हो, अपनी तकदीर बदलने की है हिम्मत तुम में, और तुम वो हो जो जमाने की तकदीर बदल सकते हो। वाहिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।